कामाकिकन वहाँ सादोगी में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन, दुकानदारों का अमला के खिलाफ एहतियात, जीटी रोड ब्लॉक कर दिया। दुकानदारों का कहना है कि अमले ने बगैर नोटिस और बिला वजह हमारी तोड़फोड़ की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें आज गवर्नमेंट ने बगैर नोटिस के हमारे ये शेड वगैरह तोड़ दिए, और जिनके पास असर सूख है, जो हैं अफसरान बाला के से जिनके तलकात हैं वो वहाँ पे ही हैं, उनके शेड भी वहाँ पे ही हैं और थड़े भी आगे बने हुए हैं। हमारी अफसरान बाला से गुजारिश है कि ब्राय मेहरबानी अगर हमारा जो नुकसान हो उसका अजाला तो किया जाए, ताकि हम दो वक्त की रोटी तो अपने बच्चों को कमा के खिला सकें। ब्राय मेहरबानी है, अफसरान बाला से हमारी गुजारिश है कि हमारा जो नुकसान किया गया ना, इसका हमें मुआवजा दिया जाए। बहुत मेहरबानी जी। अंदर उनका कहना है कि अमले ने बगैर नोटिस और बिला वजह हमारी तोड़फोड़ की है। बासर कब्जा माफिया के साथ अमला मिला हुआ है, जिन्होंने तजावजात कायम की हैं, उनके खिलाफ कोई ऑपरेशन नहीं किया गया, जबकि इंतजामिया दो वक्त की रोटी भी गरीब आदमी से छीन लेना चाहती है। कामोकीपुर राजाबुल्ला के करीब नहर अपर चनाब से 25 साल लड़की की लाश बरामद हुई है। पुलिस राय के मुताबिक लड़की के जिस्म पर खाकी रंग की शलवार, कमीज और बुरका मौजूद है। तहकीकात कर रहे हैं कि वाकया कत्ल है या खुदकुशी। लड़की की तहाल शनाख्त नहीं हो सकी, लाश सिविल अस्पताल में मुंतकिल कर दी गई है। लाश एक हफ्ता पुरानी लगती है, पोस्टमार्टम के बाद ही मौत की असल वजह सामने आएगी।